दार्जिलिंग की चाय की खुशबू अब हजारीबाग में मिलेगी। आपको बताते चले कि हजारीबाग शहर में महज 10 किलोमीटर की दूरी पर कृषि अनुसंधान केंद्र में कई एकड़ भूमि में चाय का बगान फैला है। चाय के बगान का जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल, देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि चाय की खुशबू दार्जिलिंग और असम से बेहद आती है, लेकिन अब वो चीज तो है ही है, साथ ही साथ झारखंड के हजारीबाग, आपके ही शहर हजारीबाग से मिलेगी अब चाय की खुशबू भी। पिछले 20 वर्षों से लगभग हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर देमोटाक स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में चाय की वृहद पैमाने पर खेती हो रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये विहंगम दृश्य है चाय की खेती का। और ये लोग, चूंकि बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं कि चाय की खेती यहाँ पे होती है, लोग जानते हैं दार्जिलिंग और असम, लेकिन अब उनको मैं बताना चाहता हूँ कि दार्जिलिंग असम तो लोग चाय पीते ही हैं, अब उनको सुबह पहले हजारीबाग की चाय की खेती का भी, चाय का स्वाद मिलेगा। कुछ लोग हैं जो यहाँ देख रेख करते हैं, किसान भाई है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों से ये चल रहा है, क्या कुछ है। चाय की पत्ती आप तोड़ रहे हैं, क्या कुछ है? चाय पत्ती तो ये हम लोग लगाए थे 2003 में, दो एकड़ माटी, इसमें तो चाय हम लोग को पूरा भरपूर निकल रहा है। इसको जो डेमोस्ट्रेशन हम लोग किया गया है, देखे जो झारखंड में अभी हम लोग को चाय पत्ती हो रहा है, इसका लिए खेती इसको और 25 एकड़ माटी लगाई गया है, वो भी एक साल हो गया है। अभी इंशाल्लाह से अभी हम लोग को भी उसमें पाती उसको सामने को निकल जाएगा। आने वाले दिनों में और भी चाय निकलेंगी, क्योंकि लगातार मेहनत काफी होती है, महीन तरीके से उसको पत्तियों को तोड़ना पड़ता है, रखना पड़ता है, पीसना होता है, तमाम चीजें होती है। यहाँ के सुपरवाइजर राजेश जी है, राजेश जी क्या कुछ कहेंगे, चूंकि लगातार आप भी आप ये तोड़े, क्या करेंगे, क्या होगा? इसको हम लोग तोड़ने के बाद इसको फिर बनाते हैं, चाय पत्ती को लीफ टी के नाम से जाना जाता है, लेमन टी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये लेमन टी जो होता है आपको पीने के लिए, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हम लोग अभी यहाँ पर लेमन टी बनाते हैं, इसको लेमन टी के चाय के नाम से, यहाँ डेमोट्रेशन के नाम से ऑर्गेनिक जो होता है, प्योर ऑर्गेनिक हम लोग यहाँ पर अभी तैयार कर रहे हैं, आप इसको दे सकते हैं, पी सकते हैं, अच्छा क्वालिटी। यहाँ की चाय पत्ती कहीं बाहर जा रही है कैसे, क्या कि यहीं पर यूज हो रही है? नहीं, तो अभी बाहर नहीं जा रहा, उतना नहीं हो रहा है, अभी कम ही होता है। कहाँ कहाँ जा रहा है वर्तमान? अभी तो हम लोग तो यहीं पे होता है, यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर ट्रेनर किसान लोग के लिए भी हम लोग चारा दिखाते हैं, वो लोग भी खरीदते हैं, तो हम लोग का अभी ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग बाहर अभी सप्लाई। कितनी हो रही है अभी खपत, कितनी है यहाँ? अभी हमारे यहाँ मोटा मोटी 25-30 ऐसे हो जाता है एक साल के अंदर में, तो हमारे यहाँ उतना तो अभी नहीं हो पा रहा है, मगर ज़्यादा जब 25 एकड़ अभी फिर लगा है तो उसमें अगर निकलने लगे तो ज़्यादा पैमाने में होंगे तब तो वो बाहर हम लोग बेच सकते हैं। आने वाले दिनों में और इसमें वृहद क्या कुछ अलग अलग आपको मिलेगा, कभी जितना भी हमारे यहाँ है अभी उसे ज़्यादा से निकलना कट हो जाएगा, तो आने वाला दिन में बहुत सारे चाय पत्ती हमारे यहाँ से निकलेगी। कॉफ़ी भी है यहाँ, तो उसको भी हम लोग देखना चाहेंगे आपके साथ कि किस तरीके से है। आइए राजेश जी, आप ये देख सकते हैं चूँकि विहंगम दृश्य है चाय की खेती का, कितने एकड़ में फैला है और भी कई है, कितने एकड़ में ये खेती है? हमारे यहाँ भी 2 एकड़ में है, तो 2 एकड़ में है, तभी 2 एकड़ में हम लोग पत्ती पिपाई भी कर रहे हैं, अब पत्ती निकल रहा है यहाँ से, हम लोग उसको बनाते हैं, बनाने के बाद फिर उसका पैकेटिंग कर देते हैं। और वो अभी पैकेटिंग कितने कितने ग्राम की हो रही है? ये आपको 100 ग्राम की होती है, 200 ग्राम की होती है। अगर जैसे ज़्यादा किसी को लेना हो अपने परिवार के लिए या आधा एक किलो, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? तो उसके लिए भी मतलब हम लोग अलग से उसको अलग प्रोसेस में देते हैं, ये तो पैकेटिंग हो जाता है, ये डेमोस्ट्रेशन नाम के थी, हम लोग डेमोटी के नाम से थी कहते हैं, तो उसमें प्योर ऑर्गेनिक होता है। सिर्फ हजारीबाग अभी जा रही है कि आसपास के क्षेत्रों में भी जा रहा है? अभी तो हजारीबाग के आसपास क्षेत्रों में, जिसको आप यहाँ पे लोग जानते हैं तो ले जाते हैं आके, यहाँ का प्योर चाय है, आप लेमन टी के नाम से वो पीते हैं, आप बोलते बहुत अच्छा। चलिए बहुत खूब। इसके अलावा क्योंकि चाय के तो दीवाने है ही है, लोग चुस्की लेते हैं सुबह पहले, लेकिन कुछ ऐसे भी दीवाने हैं जो कॉफी पीते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। चाय की खेती के साथ साथ कॉफी की भी खेती होती है, और आप ये देख सकते हैं कॉफी पौधा रोपण, और आप ये देख सकते हैं क्या कुछ है, आप हम जानना चाहेंगे इनसे। ये
क्या है ये? ये कॉफी का पौधा है जी। और ये कॉफी का पौधा हम लोग इसे जब अभी तैयार भी अभी दाना निकल रहा है, जब ये पक जाता है, पकने के बाद ये लाल हो जाता है। लाल होता है तो हम लोग इसको तोड़कर फिर इसको जो प्रक्रिया इसका जो है बनाने का, वो सारा प्रक्रिया में करने के बाद फिर इसको हम लोग भूनकर इसको मिक्सी में पीस कर इसको फिर पैकेजिंग करते हैं और हम लोग इसको कॉफी का। राजेश जी, ये तमाम बातें हमारे दर्शकों ने सुनी, आम लोगों के घर में ये हाथों में ये चाय पत्ती कब जाएगी कि चाय किसने वो अपने हाथों से कब ये मिलेगा? बस लगेंगे अभी तो हमारे यहाँ 2 साल जो नए चाय जो लगे हैं कम से कम 2 साल उसमें यहाँ लगेंगे, और अभी जो 2 ही कमे लगे हैं तभी निकल रही है, तो बहुत लोग आते भी हैं और यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ से बनने के बाद जैसे पत्ते भी तो नहीं निकल रहा था, अब निकलना स्टार्ट हुआ है, अब निकल रहा है, टिपाई हो रहा है, टिपाई होने के बाद जब तैयार हो जाएगा तब फिर अगल बगल से लोग आते हैं और ले जाते हैं। बिल्कुल चाय का बागान, लोग दार्जिलिंग घूमने को जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, स्पेशली जाते हैं, लेकिन आपके ही शहर हजारीबाग के महज 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डेमोटार में कृषि अनुसंधान केंद्र में यह फैला है चाय का बागान। चाय की खुशबू जो लोग सुबह पहले अपने घरों में लेते हैं, वो वक्त वो समय वो ज्यादा दिन नहीं कि इसी चाय की चुस्की से आप अपने घरों का चाय भी बनाएंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, आवाज हर्षी टीवी हजारीबाग।